गाइस ग्रैनी एक ऐसी गेम है जो कि 2018 में बनी हुई एक बहुत हॉरर गेम है, जो अगर मेरे ख्याल से तो बहुत यूट्यूबर्स खेल चुके हैं और आप लोगों को इस गेम का तो पता ही होगा। तो गाइस अब बात करते हैं कि फिर ग्रैनी कौन है सेलेंटिना के। सो गाइस जो ग्रैनी का बेटा था उसने सेलेंडरीना से शादी की थी, तो मतलब के सेलेंडरीना मतलब ग्रैनी सेलेंडरीना की मदर ऑफ लो है। और गाइस आप लोगों को ग्रैनी के घर से एक लेटर भी मिलता है दिस इज माई फिफ्थ डे, और वो आप लोग सारे वो देख सकते हैं। और वो एक बंदे का होता है जो कि पहले ही इस घर में आ चुका होता है, और आप लोग कर चाहे तो इस गेम को खेल कर इस लेटर को पढ़ भी सकते हैं। और गाइस अगर बात करी जाए कि आप लोगों में से बहुत लोगों को ही तो पता होगा कि हम ग्रैनी के घर में चोर बन के आते हैं, कोई और नहीं सिर्फ चोर एक। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, सो गाइस एक बात कह देता हूँ कि हम लोग ग्रैनी के घर में चोरी करने के लिए आए होते हैं। गाइस आप लोगों को पता ही है ग्रैनी थ्री में आप लोगों ने देखा था कि जो है मतलब ग्रैनी थ्री में नहीं ग्रैनी में देखा था आप लोगों ने कि जो है एक बंदे की लाश पड़ी हुई थी, और वो ग्रैनी थ्री में भी दी गई थी। मतलब कि एक बात तो पक्का है कि हम लोग ग्रैनी के हर गेम में चोर बन के आते हैं। और गाइस अगर एक बार मैं क्लीट कर देता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी एक स्क्रीन भी ना स्किप करिएगा, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। और अगर बात की जाए सेलेंडरीना की मदर की, तो वो है एंजेलिना, मतलब गाइस आप लोगों को ग्रैनी चैप्टर टू में एक वैम्पायर की लाश पड़ी मिलती है जो कि आप लोगों को मिलती है ऊपर। जब आप गन से मारते हैं वो तो शूट करते हैं तो एक रास्ता खुलता है जैसे ही आप उधर के। तो गाइस आप लोगों को पहले तो मैं कैनिबल का मीनिंग बता दूँ। कैनिबल का मीनिंग अ पर्सन इज कैनिबल, पता नहीं गाइस क्या। और कैसे अगर बात की जाए कि क्या मतलब कि सेलेंडरीना एक टैडी के अंदर कैद होती है वो भी बहुत टाइम से। और गाइस देखिए ग्रैनी ने एंजेलिना को मार दिया था और उसे अपने घर में दफना दिया था, मतलब अपने घर में रख लिया था। जैसे आप एक किताब करते हैं आप लोगों के लिए एक रास्ता खुलता है, मतलब उसके लिए आप लोगों को किताब चाहिए होती है। जैसे आप उधर किताब रखते हैं ना तो फिर वो उधर एंजेलिना की जो है बॉडी आती है। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ सेलेंडरीना के बारे में। सो गाइस सेलेंडरीना एक मतलब गाइस सेलेंडरीना को भी ग्रैनी ने मारने की कोशिश की पर और गाइस सेलेंडरीना ने जो है ग्रैनी की डेथ कैसे हुई और ग्रैंडपा की। गाइस ग्रैंडपा देखिए जब ग्रैनी जो है एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और गाइस वहाँ पे एक बंदा खाना खाने आया और ग्रैनी को उससे प्यार हो गया। और गाइस फिर यूं ही ये सब कुछ हुआ, फिर उन दोनों की शादी हो गई। गाइस उसके बाद ग्रैंडपा की डेथ हो गई। और अगर गाइस से बात की जाए आप में से बहुत लोगों ने ग्रैनी तो खेली होगी पर आप लोगों को उसकी स्टोरी का पता। गाइस आप लोग ये भी सोचते होंगे कि ग्रैनी में हर वक्त घर ही क्यों बदले होते हैं, तो आज की इस वाली वीडियो में उन सब का जवाब मैं आप सबको दूंगा। कैसी ग्रैनी 1 2 3 4 में हर बार घर बदले होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, तो आज की इस वाली वीडियो में उन सब का जवाब दूंगा मैं आप लोगों को जैसे कि मैंने बताई है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फुल वॉच करिएगा, एक भी सीन स्किप ना करिएगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इशारे घर वो होते हैं जिन घर से
ग्रैनी की यादें जुड़ी होती हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही, मैं पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। बस उम्मीद है आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, चाहे उस पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। लोगों को इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। ग्रैनी की क्या बेटी सिलेंडी ने आज किस वाली वीडियो में, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। सो गाइस नो, ग्रैनी का एक बेटा है और वो लोगों को वैम्पायर में बदल देता है। तो क्या ग्रैनी सिलेंडरीना की दादी है? तो नहीं गाइस, ग्रैनी के एक डैड है और उनका नाम है सिलेंडर मैन। ग्रैनी के नहीं मतलब सिलेंडर।